हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के टॉप 10 सवाल जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे। तो कुछ आदमी जो है वही हमें निकालने हैं कि कितने आदमियों ने ये 60 दिन में ये वर्क कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ आदमी को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, यानी कि एक्स नंबर ऑफ आदमी थे वो। ठीक है, और उन्होंने 60 दिन में वर्क को कंप्लीट किया, तो यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, एक्स इंटू 60। अब ये वर्क किससे कंप्लीट कराया जा रहा है, ये कंप्लीट कराया जा रहा है 8 आदमी जब और बढ़ जाते हैं, यानी कि एक्स तो पहले थे और 8 और बढ़ जाते हैं। अब ये कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 10 दिन पहले ही वर्क को कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि हम ये 50 दिन में हो जाएगा, पहले 60 में होता था अब 50 में हो जाएगा, तो 50 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है भाई, आप इसको समझे, यानी कि एक्स आदमी 60 दिन में वर्क कंप्लीट कर रहे थे तो टोटल वर्क कितना होगा, एक्स इंटू 60। अब ये जो टोटल वर्क है, अब ये किससे कराया जा रहा है, 8 आदमी जब बढ़ जाते हैं उनसे। ठीक है, और वो कितने दिन में करते हैं, वो 10 दिन पहले ही कर देते हैं, यानी कि एक्स प्लस 8 इंटू 50, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा 60x, इधर कितना होगा 50x, और 50 की 8 में करेंगे 400। ठीक है, x वालों को एक साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 10x, और इधर कितना बचेगा 400। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी 400 डिवाइड बाय 10, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 40, और यानी कि पहले कितने आदमी थे 40, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि अभी कितने आदमियों ने वर्क कंप्लीट किया है 10 दिन पहले, तो वो हो जाता आपका 8 आदमी बढ़ाए, तो वो आंसर हो जाता आपका 48। ठीक है, तो आपसे तो पहले वाले पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 40। ऐसा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी, इस अवधि में 2 बच्चों के पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, यदि इन बच्चों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। सबसे पहले यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु हमें पता है 24 वर्ष है, तो इनकी टोटल एज निकाल लेते हैं कि 4 सदस्यों के परिवार में 24 वर्ष है, तो इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी 4 मेंबर की, ये हो जाएगी 24 इंटू 4, यानी कि 96 हो जाएगा इनकी एज का सम। ठीक है, यानी कि 4 मेंबर की एज का सम कितना है, 96 है। अब ये क्या है, 10 वर्ष पूर्व 10 साल पहले की एज आई है, तो हम इनमें 4 मेंबर की 10 10 और प्लस करनी पड़ेगी वर्तमान की बनाने के लिए, तो यहाँ पे 10 इंटू 4 करेंगे, 40 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 136। ये वर्तमान की इन 4 मेंबर की आयु आ गई है। ठीक है, यानी कि इन 4 मेंबर की वर्तमान की आयु का सम कितना हो गया, 136। ठीक है, अब यहाँ पे इस अवधि में 2 बच्चे पैदा होने पर परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, यानी कि अभी मेंबर कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, और औसत अभी भी 24 ही है, तो अब इनकी टोटल एज का सम कितना हो जाएगा, 24 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है भाई, आज वर्तमान में 6 मेंबर की एज का सम कितना है 144, और वर्तमान में 4 मेंबर की एज का सम कितना है 136, तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो उन 2 बच्चों की एज के सम के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो डिफरेंस आया 8 का, यानी कि उन दोनों बच्चों की एज का सम कितना है 8। अब यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है बाद में, यदि इन बच्चों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोनों को प्लस करके तो 8 आए। ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस 2 आए। ठीक है, क्योंकि उन दोनों की एज का डिफरेंस 2 है, तो 8 के ऐसे 5 और 3 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 5 और 3 प्लस करेंगे 8 आएगा, डिफरेंस आएगा तो 2। यहाँ पे पूछा छोटे बच्चे की वर्तमान आयु, तो छोटे बच्चे की वर्तमान आयु 3 हो जाएगी, अगर पूछा जाता बड़े बच्चे की वर्तमान आयु तो वो 5 हो जाती, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, अब सी के साथ मिलने पर
तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई, सी की वर्तमान आयु कितनी है। बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है ये भी। तीन वर्ष पूर्व ए बी की कुल आयु हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि तीन वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी है 18, तो 18 की मल्टीप्लाई दो में करेंगे तो इनकी दोनों की एज का सम कितना आ जाएगा ए और बी की, वो 36 आ जाएगा। ये कब का है, तीन वर्ष पूर्व का, तो इसमें तीन तीन प्लस हमें करने पड़ेंगे क्योंकि हमें वर्तमान में एज निकालनी पड़ेगी ए और बी की। तो तीन और तीन प्लस करेंगे कितना, 6 और प्लस होगा, तो इन दोनों की एज का सम कितना हो गया 42। वर्तमान में ए और बी की एज का सम कितना हो गया 42, ठीक है। वर्तमान में ए बी सी की तीनों की एज का सम कितना होगा, भाई वर्तमान में तीनों की एज ए बी सी की एज का जो औसत है वो 22 है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 66, ठीक है। तो वर्तमान में ए और बी की एज का सम तो 42 है और ए बी सी तीनों की एज का सम कितना है 66 है, तो जो भी इनका डिफरेंस आएगा वो सी की एज का, सी की एज हो जाएगी ना, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा 24, तो सी की एज, सी की वर्तमान एज कितनी हो जाएगी 24, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्त 50 अंकित किए गए हैं, बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्त 48 के स्थान पर 84 पढ़े गए, सही औसत प्राप्त कितना है। यानी कि 5 छात्रों का जो औसत वो दिया गया है वो 50 अंक दिए गए हैं, ठीक है। 50-50 सभी को मिले हैं 5 छात्रों को। इसमें एक छोटी सी गलती हुई है जिसमें बोला गया है कि एक छात्र के 48 अंक थे, प्राप्त अंक थे, बट वो 84 पढ़ लिए गए गलती से, ठीक है। तो अब इसका सही औसत क्या होगा, तो यहाँ पे इसको करने के दो तरीके हैं, ट्रिक भी बताऊंगा और एक जो बेस मेथड है जो जैसे सब बच्चे करते हैं वैसे भी करेंगे। 5 छात्रों के कुल प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, भाई औसत तो इनका 50 है, तो 50 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे ना, कितना हो जाएगा 250, ठीक है। तो 250 अंक हो गए 5 छात्रों के टोटल। अब इसमें हमें कितने ऐड करने थे, 48, और हो गए कितने 84 गलती से, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने ऐड हो गए, भाई 48 करने थे 84 ऐड कर दिए, तो एक्स्ट्रा कितने ऐड हो गए, 84 में से 48 को माइनस करेंगे 36, यानी कि इस 250 में 36 अंक एक्स्ट्रा ऐड है, तो माइनस कर दीजिए ना, इनको माइनस कर लेंगे बचेगा कितना 214। अब ये 214 जो अंक है ये राइट है, यानी कि इतने अंक इनको मिलने थे 5 छात्रों को, तो अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना है 42.8 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक मेथड तो आपका ये हो गया। एक होता है आपको ये तो पता चल गया ना आपको एक्स्ट्रा अंक कितने हुए 36। अब ये 36 के 36 अंक 5 छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, जब औसत अंक बताया गया कि 50 है तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो 5 छात्रों में जब 36 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कितना आएगा भाई, बस आपको वही माइनस करना है, 50 में से 36 को डिवाइड करिए 5 से तो कितना हो जाएगा 7.2, तो 50 में से 7.2 को माइनस कर दीजिए, 42.8 इज द राइट आंसर। तो ऐसे करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, तब भी यही आएगा, जो भी आपको अच्छा लगे जो भी समझ में आए उसी मेथड से करिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ट्रिक ही यूज करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को मतलब हार्ड तो ये भी नहीं है, ये भी दो लाइन का ही है और ये भी दो लाइन का है, जो भी आपको अच्छा लगे वही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2 मालगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है ये मालगाड़ियां क्रमश 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी को, गाड़ी के चालक को पार करने में कितना समय लेगी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये जो पटरी है समांतर पटरी है एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की लंबाई कितनी है 500 मीटर है, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि एक इस तरफ से जा रही है, एक इस तरफ से जा रही है। एक की चाल कितनी दे रखी है 45, यानी कि इसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा, यहाँ पे बोला गया है कि ये समांतर पटरियों पर एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में जा रही है धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपली एक चीज ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पे जो इन दोनों की जो लंबाई दे रखी है वो 500 मीटर दे रखी है, यानी कि मीटर में दे रखी है, और जो चाल है वो किलोमीटर में है, तो आपको एक किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा सबसे पहले चीज, इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। फिर दूसरी चीज ये आती है कि इन दोनों की लंबाई को प्लस करेंगे, ठीक है, और चाल को भी प्लस करेंगे, क्योंकि जब भी अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आती है तो दोनों की चाल प्लस होती है, और जब एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो दोनों की चाल माइनस होती है, यानी कि डिफरेंस लिया जाता है। तो इन दोनों की चाल का प्लस करके हम सबसे पहले इनको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, अलग अलग मत बदलिएगा क्योंकि दोनों को प्लस करके बदलना है, यानी कि दोनों की चाल का हमें प्लस करना है, तो दोनों को प्लस करके ही बदलिए, ठीक है। तो यानी कि
थोड़ा आसान पड़ेगा, अलग अलग बदलेंगे उनको प्लस करेंगे फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो कितना हो जाएगा दोनों को प्लस करेंगे 75, तो 75 को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से कट कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, और ये जाएगा 25 टाइम। 25 की 5 में करेंगे तो 125 और डिवाइड बाय 6, यानी कि ये 125/6 मीटर पर सेकंड में इनकी चाल आ गई दोनों ट्रेन की, ठीक है। दोनों को मतलब प्लस कर लेंगे तो ट्रेन की दोनों की लंबाई भी प्लस होगी, तो ट्रेन की दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 500 + 500, और डिवाइड कर देंगे 125/6 से, ठीक है। तो 6 तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 × 6, और नीचे हो जाएगा 125, ठीक है भाई। 125 से 1000 कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 की 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 48 सेकंड, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो तेज चलने वाली ट्रेन है, वो जो धीमे चलने वाली ट्रेन है, उसको 48 सेकंड में पार कर लेगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ट्रेन से अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर यही चांस रहते हैं कि या तो समय निकालने के लिए दे दिया जाएगा, या फिर आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे दे दिया जाएगा कि एक ट्रेन की लंबाई दे दी और दूसरी की नहीं दी जाएगी, और टाइम आपको दे दिया जाएगा, तो आपको तब भी यही यूज करना है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट। अगर आपको मान लिया जाए पहले वाली ट्रेन की लंबाई दे दी, दूसरे वाले की निकालनी है, तो दूसरे वाले को एक्स मान लीजिए, समय आपको दे रखा होगा तो यहाँ पे समय रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कई बार क्या होता है, स्पीड नहीं देते हैं, टाइम भी, ट्रेन की लंबाई भी दे देते हैं, समय भी दे देते हैं, स्पीड नहीं देते हैं, तो तब आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दोनों की रखनी है, या एक की दे दे वो भी रखनी है, और समय आपको रखना है। यहाँ पे स्पीड नहीं देंगे तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्पीड, यानी कि इन तीनों चीज़ में से आपको दो कोई भी चीज़ मिल जाए तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिएगा कि जब भी मीटर पर सेकंड में हो किलोमीटर में, और आपका जो लंबाई दे रखी है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में बदलिए, अगर मीटर में दे रखी है लंबाई तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है, यदि ए की चाल पहले से दुगनी हो तो वह इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। देखिए आपको चाल का रेशो दे रखा है, ठीक है, ए बी की चाल का अनुपात कितना है, 2:3 है, तो आपको जब चाल का रेशो दे रखा है ए बी की, तो टाइम का रेशो आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम का रेशो चाल की रेशो के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे स्पीड का रेशो आपको जो दे रखा है, चाल का रेशो 2:3 दे रखा है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 3:2। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जो ज़्यादा स्पीड से चलेगा वो कम टाइम लेगा, और जो कम स्पीड से चलेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का, और एक्चुअल में इनके बीच का डिफरेंस क्या दे रखा है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। जो ए है वो बी से 10 मिनट अधिक लेता है, और रेशो में तो केवल एक ही दिखा रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब इस एक रेशो के बराबर ये 10 मिनट होगा, ठीक है भाई, समझ गए आप। रेशो में तो हमें क्या दिख रहा है, डिफरेंस 1 का दिख रहा है, यानी कि जो ए है वो बी से केवल 1 अधिक लेता है, समय मान लीजिए रेशो में, ठीक है, बट एक्चुअल में यहाँ पे 10 मिनट बताए जा रहे हैं, तो इस 1 के बराबर 10 मिनट हो जाएगा ना, ठीक है। तो 1 के बराबर अगर 10 मिनट है तो एक टोटल टाइम कितना ले रहा होगा, टोटल टाइम ले रहा होगा 10 की मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, 30 मिनट लेता है, ठीक है, उसी किसी डिस्टेंस को पार मतलब कवर करने में। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में बोला गया है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, यानी कि जो ए है वो किसी निश्चित दूरी को तय करने में 30 मिनट लेता है, और बी कितना लेता है, वो 20 मिनट लेता है। तो हमें पता चल गया कि ए 30 मिनट ले रहा है। आगे की लाइन पढ़ते हैं, ए की चाल पहले से दुगनी हो तो वह इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो जब ए की चाल को हम दुगनी कर देंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई, इस चीज को समझ गए ना आप। चाल को दुगनी होने के बाद 30 मिनट ले रहा है, तो अब कितना लेगा, अब 15 मिनट लेगा। अगर वो किसी चाल को चलने में 30 मिनट ले रहा है, किसी भी जो अपनी स्पीड से चल रहा है उसे उसी चाल से चलने में 30 मिनट लेता है, अगर उसकी चाल को हम डबल कर दें तो टाइम आधा हो जाएगा ना, तो बस सीधा सीधा आप 15 मिनट आंसर लगा दीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये पहले ग्रुप डी में आ चुका है। तो यहाँ पे एक दिया गया है, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला हुआ है, कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए कि बने मिश्रण में पानी की मात्रा 36% हो जाए। तो यहाँ पे 40 लीटर मिश्रण है आपका दूध और पानी का, और उसमें 20% पानी है, ये हमें पता चल गया। तो अगर 20% पानी है तो बचा हुआ 80% क्या होगा, वो मिल्क हो जाएगा, ठीक है। तो 20% वाटर है और 80% मिल्क है, तो 40 को हम डिवाइड कर लेते हैं इसी तरीके से, तो 40 का 20% निकालेंगे 8 आएगा, तो 8 लीटर तो हो जाएगा आपका वाटर, ठीक है। 40 का 80% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32,
ये हो जाएगा आपका मिल्क। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया लाइन में कि कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए कि बने मिश्रण में पानी की मात्रा 36% हो जाए। तो हमें क्या करना है भाई, वाटर की बात की गई है ना कि वाटर कितना ऐड किया जाए, तो वाटर अभी जो है पानी जो है वो 8 लीटर है, तो इसमें एक्स प्लस कर दीजिए। ठीक है, हमें नहीं पता कितना ऐड होगा, बट हम एक्स प्लस कर देते हैं, जो भी होगा बाद में निकल के आ जाएगा। और मिल्क आपको उतना का उतना ही रखना है, 32 का 32। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा जब हम इसमें 8 में x प्लस कर देंगे, यानी कि जो ऐड हमें निकालना है वो प्लस कर देंगे, 36% बनाना है, तो इसको हम 36% लिख लेते हैं, इसके इक्वल हम करके 36% लिख लेते हैं। अगर 36% आपका वाटर हो जाएगा तो बचा हुआ 64% क्या होगा, वो मिल्क बन जाएगा। भाई जब इसमें हम पानी बढ़ाएंगे और 36% हो जाएगा तो बचा हुआ मिल्क बचेगा ना, तो बचा हुआ कितना 64% आपका मिल्क हो जाएगा। तो बस अब इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको 4 से कट कर लेंगे तो 9 टाइम और ये चला जाएगा 16 टाइम। ठीक है, इसको यहीं पे कट कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। और यहाँ पे अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 की इधर करेंगे 128 और ये हो जाएगा 16x इक्वल आपका हो जाएगा 9 की 32 में करेंगे तो 288 हो जाएगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसे 16x को एक तरफ ले लीजिए, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 160। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 160 डिवाइड बाई 16, तो x की वैल्यू आपकी 10 लीटर आ जाएगी। यानी कि अगर 10 लीटर वाटर और ऐड कर दिया जाए तो वाटर की जो परसेंटेज है वो 36 हो जाएगी, 20% से बढ़ के वो 36% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन होता है, इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है, जो जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है, और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। यदि ए का 15% बी के 20% हो तो ए और बी का रेशो बताइए। अब ए की साइड 15% लिखा है और बी की साइड 20 लिखा है, तो बस आपको ये करना है, इधर 20 लिख दीजिए और इधर आप 15 लिख दीजिए, ए बी का रेशो आ गया। समझ गए आप इस चीज़ को? आप इसको वैसे भी करके देखेंगे कि ए का 15% अपॉन में 100, ठीक है, इक्वल करेंगे, फिर यहाँ पे बी का 20% अपॉन में 100, इस तरीके से भी करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले से हम बिल्कुल, जब हमें पता है कि इस तरीके से आंसर आएगा तो आपको 15 को यहाँ पे बी का रेशो लिख देना है और 20 को आप ए का लिख देना है। तो 20 और 15 आ गया, इसको 5 से कट कर लेंगे, 5 × 15 = 20, तो 4 और 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z का ये आपको दे रखा है, तो हो तो एक्स वाई जेड का रेशो क्या होगा। तो आपको बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिखा है ना, 1/x 1/y 1/z, तो आपको इसको ऐसे लिख लेना है, 1/2 1/3 1/5, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इनका एलसीएम लेके आप रेशो बना लीजिए जैसे बनाते हैं। तो इन सभी का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15, 2 से जाएगा 30 15 टाइम, 3 से जाएगा 10 टाइम और 5 से जाएगा 6 टाइम, तो 15:10:6 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं तो कट कर दीजिए, अदरवाइज यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते बहुत आसान है अगर आपको पता होगा। कई बार मतलब पता तो सभी को होता है, बट कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो उनको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ईजी क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, यदि x अपॉन 5 इक्वल y अपॉन 8 हो तो x प्लस 5 रेशो y प्लस 8 क्या होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको 5 लिखनी है और y की वैल्यू 8 लिखनी है यहाँ पे, और बस अपना क्वेश्चन कर दीजिए। x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 लिखा, तो 5 प्लस 5 रेशो, यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 प्लस 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, इनको 2 से कट करिए 5 और ये हो जाएगा 8, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए आपका बोट एंड स्टीम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट एक दो पूछा जाएगा तो आपको करके आना है, उसको छोड़ के नहीं आना है। इस क्वेश्चन से कई चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, और कई क्वेश्चन मैं बीच बीच में लेके आ रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम के। ठीक है, तो उनसे आप पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। यहाँ पे एक जो स्ट्रीमर है वो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंच जाता है। धारा की दिशा का मतलब है, धारा की दिशा का मतलब है आपका कि अगर धारा अगर इस डायरेक्शन की चल रही है तो वो भी इस डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और जब धारा के विपरीत आते हैं यानी कि धारा के इस डायरेक्शन में आते हैं तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो जब वो धारा की दिशा में जाता है तो 4 घंटे में चला जाता है, और धारा के विपरीत दिशा में उसके लगते हैं 5 घंटे।
ठीक है, तो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाने में 4 घंटे और आने में 5 घंटे लगते हैं एक स्टीमर को। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वर्क करिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि धारा का वेग यानी कि धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बंदरगाह के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे वाई को हम कैसे निकालते हैं, देखिए धारा को जो होता है ना, मैं जो डिनोट करता हूँ जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ इस चैप्टर को, तो मैं उसको वाई से लिख लेता हूँ। ठीक है, बार बार धारा की वेग करंट और ये लिखने का झंझट ही खत्म। वाई को मैं लिखता हूँ धारा की चाल और बोट की चाल को यानी कि स्ट्रीम की स्ट्रीमर की चाल को हम लिखते हैं एक्स। तो यहाँ पे वाई जो है ये धारा की चाल हो जाएगा, धारा का वेग। ठीक है, तो इसको हम जब निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम और 2 से डिवाइड कर देते हैं जब हमें निकालना होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है। अभी क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, ये यहाँ पे लिख लीजिए 2 क्योंकि ये आपको दे रखा है। डाउन स्ट्रीम को कैसे निकालते हैं, अब डाउन स्ट्रीम को भी निकालते हैं। जब हम क्या करते हैं, जो भी धारा जो भी डाउन स्ट्रीम होती है आपकी यानी कि टाइम, तो जो भी डिस्टेंस होती है उसको डिवाइड कर देते हैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड से। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होती है, एक्स डिवाइड बाई 5 और इन दोनों को हम कर लेंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से क्योंकि यही तो आपका दे रखा है ना, इसके इक्वल 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेके इन दोनों का 4 और 5 का 20 और इनको करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 5x और 4x। ठीक है, तो इनको करने के बाद यहाँ पे 2 और इस 2 को हम ले जाएंगे यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे जाने के बाद कितना हो जाएगा, ये यहाँ तो बचेगा सिर्फ x ही, 5x माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये x अपॉन में 40। ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 बराबर आपका हो जाएगा x अपॉन में 40 और यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80 किलोमीटर, यही आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है और आपको ये पूरी वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, सभी प्लेलिस्ट मैंने बना के अलग अलग सबके लिंक दे रखे हैं। टेलीग्राम का सबसे पहला लिंक दे रखा है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको PDFs मिल जाती हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।